Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 20A class 8th ICSE board. हम ICSE board की class 8th की book सरिना publisher की जो book है concise mathematics middle school जिसके writer R.K. Bansal है उस book को हम solve कर रहे हैं. अब तक मैंने chapter 1 से लेके अब तक जितनी video बनाई हैं उन सभी video का link मैं आपको नीचे discussion box में दे दूंगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी question में कोई doubt है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 20A. क्वेश्चन 5 है आपका द बेस एंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5. एक ट्राइंगल है जिसका बेस और हाइट का रेशियो देखा 4:5. इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 40 स्क्वायर मीटर फाइंड इट्स बेस एंड हाइट. तो हमें इसका बेस और हाइट दोनों फाइंड करना है. बेस और हाइट का रेशियो दे रखा है, उनका एरिया कैसे होगा समझाते हैं आपको. अब यहां बेस और हाइट में हमें रेशियो गिवन है तो आप सिर्फ लिख लीजिए इसे बेस इज टू हाइट और ये हमें गिवन है 4:5. जब कभी भी हमें कोई भी चीज कोई भी आर्टिकल हो चाहे कुछ भी हो कॉस्ट हो वेट हो बेस हो हाइट जैसी है रेशियो में दे रखी हो तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे हम मानेंगे हम सपोज कर लेंगे लेट बेस इज 4 हाइट इज 5. लेकिन साथ में एक वेरिएबल सेम वेरिएबल है ना हाइट इस रेशियो का मतलब 4:5 का मतलब ये नहीं होता कि बेस 4 ही है 4 यूनिट है कि हाइट 5 यूनिट है. इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है हो सकता है ये 8 हो तो ये 10 जब सिंपलेस्ट करो तो 4:5 आएगा. इसलिए एक साथ हम वेरिएबल लगा देते हैं. तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे मानेंगे चलिए मानते हैं लेट बेस इज 4 है तो 4 इसके साथ एक वेरिएबल कौन सा वेरिएबल ये आपकी मर्जी है. टीचरों की आदत एक्स होती है तो एक्स ले देते फटाफट ज्यादातर है ना. तो ऐसा है नहीं कि एक्स माना बाई ले सकते हो 4a 4k 5k कुछ भी ले सकते हो ना. अब यहां क्या लिख रहे हैं मीटर की सेंटीमीटर ये डिपेंड करेगा आपका एरिया की यूनिट क्या दे रखी है. यहां एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा था क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 40 मीटर स्क्वायर मीटर में तो इसको मीटर मानेंगे. तो हमने मान ली बेस है 4x मीटर एंड हाइट का रेशियो क्या देगा 5 तो हाइट इज 5x मीटर. अब शायद समझ में आ गया हो गया कैसे हो गया. हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना तो वही हमने यूज कर लिया यहां हाफ इंटू बेस. बेस हमने माना 4x इंटू ये इंटू x है स्मॉल है कैपिटल ध्यान रखना नहीं कंफ्यूज कर जाओ इंटू 5x इक्वल टू एरिया और एरिया हमें कितना दे रखा 40 मीटर स्क्वायर. ओके जब कैलकुलेट करते तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है स्क्वायर मीटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. अब यहां देखो 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया 1 बार कैंसिल तो 5 2 जा 10 और x इंटू एक्स कितना हो गया 10x स्क्वायर. तो 10x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40 तो x स्क्वायर की 10 से डिवाइड करेंगे 10 4 जा 40 तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 तो x क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 है ना लिख दो यहां तो x इक्वल टू 2. अब कहोगे सर कभी किसी क्वेश्चन में था प्लस माइनस 2 लगा देते हो यहां आपने 2 ही क्यों लिया है ना. बात सही है आपकी हम बताते हैं क्यों लिया. क्या होता है हम जब स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 लगा लेते हैं ना बस सही होता है. लेकिन यहां क्या बात चल रही है यहां एक्स क्या है बेस और हाइट की बात चल रही है. जब हम एक्स के लिए यहां पुट करेंगे तो 4 एक्स क्या 2 है वो 8 मीटर. अगर आप माइनस 2 लगाते हो माइनस भी लेते हो तो एक्स बराबर माइनस 8 मीटर. ट्राइंगल में हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए हम माइनस नहीं लिया डायरेक्ट प्लस लिख लिया. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे प्राइस जैसे ट्राइंगल की साइड्स हैं प्राइस है वेट हो किसी की हाइट हो है ना किसी की एज हो तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली प्लस ले लेते हैं. प्लस माइनस 2 होता है ये बात सही है. लेकिन यहाँ प्लस क्यों 2 लिया क्योंकि बात चल रही है ट्राइंगल के साइड की और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए ओनली प्लस 2 लेंगे. ठीक जब प्लस 2 निकलाया तो अब तो हम निकाल सकते हैं हाइट कितनी है हमारी बेस है 4x तो 4 × 2 8 हो गया हाइट हो गई 5 × 2 10. ओके तो निकाल लेते हैं तो बेस ऑफ ट्राइंगल वो बेस हमने माना था 4x तो 4 × x की वैल्यू आपकी 2 आ गई तो कितना हो गया 8 मीटर. हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या हो गई
हाइट ऑफ ट्राइंगल 5x, तो 5 इंटू एक्स वैल्यू 2 निकल के आई थी 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, बेस हो गया 8 मीटर और हाइट हो गई 10 मीटर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपका, सेम वैसे ही लग रहा है कुछ कुछ। द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम, बिल्कुल डिटो है ना। तो जल्दी से फटाफट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम है ऊपर ऐसा। तो यहां हमें रेशियो दे रखा है, बेस इज टू हाइट, कितना दे रखा है 5:3। तो वही पहले एज्यूम करेंगे, लेट, तो हमने लिख लिया लेट बेस इज 5x, इसमें एरिया मीटर में दे रखा है इसमें, तो 5x मीटर, एंड हाइट इज 3x मीटर। तो वही सेम है बिल्कुल, हाफ इंटू वेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया को शॉर्ट में ए आर लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप ट्राइंगल बना सकते हो। जब आप नाइन्थ में आ जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो हीरोन्स फॉर्म पढ़ोगे सब एआर लिखते हैं ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलते हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसमें 5x, हाइट कितनी है 3x, और एरिया दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में 67.5। तो 5 3 15 15 अपॉन 2, ये और x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इक्वल दे रखा है 67.5, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीपल करें, शायद जल्दी जल्दी लग रहा होगा आपको थोड़ा, क्योंकि सेम डिटो सवाल है इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, से जल्दी कर दे रहे हैं। अब हम देखें ये 5 है, लास्ट में 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का देखेंगे हो रहा नहीं हो रहा, डायरेक्ट 5 से कर दिया, 5 3 15 5 3 25 और कैरी बच्चा कितना 2, पॉइंट लगा 2 5 25, तो 5 5 25। अभी 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 3 4 12 और 3 5 जा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4.5 × 2 9.0, 9.0 का मतलब 9। तो स्क्वायर रूट लिखा लेंगे तो x क्या होगा ±3, क्योंकि ट्राइंगल की बात चल रही है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, तो प्लस ही लेंगे, ये स्क्वायर को ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने ना, x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x बराबर 3 आ गया। जब 3 आ गया तो सीधा सीधा हो गया, बेस ऑफ ट्राइंगल क्या था 5x, यानी कि 5 × 3 15 मीटर, और हाइट क्योंकि मैं पहले वाला आराम से समझा चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर दिया 3x, तो 3 × 3 9 मीटर। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 144√3 cm², फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पहले हम जो एरिया दे रखा है इसकी हेल्प से सेट्स निकालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, नीचे दे ही रखा है आपको हिंट, लेकिन मालूम होना चाहिए, हिंट छोड़ो, क्या होता है √3/4 sin², ये तो रटा होना चाहिए आपको ना, हिंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम साइड निकालेंगे पहले, फिर साइड निकालेंगे, और पेरीमीटर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 × sin², स्क्वायर ऑफ पॉइंट है ना, क्योंकि ट्राइंगल ट्राइंगल है इक्विलेटर, इक्विलेटर में ट्राइंगल 3 साइड्स, 3 इक्वल होते हैं 3 × sin। चलिए करते हैं इसे फटाफट, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमें गिवन है, और ये हमें गिवन है 144√3 cm², तो ये पेरीमीटर निकल के आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा, है ना। तो अब इसका फॉर्मूला लगा दूं, √3/4 sin², और ये कितना देखा मैं 144√3, तो sin² क्या हो गया, क्रॉस मल्टीपल होगा, 144 × √3, 4 ऊपर जाएगा है ना, और ये √3 आ जाएगा नीचे, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो √3 से √3, तो ये √3 आ गया अपॉन में इस √3 से √3 कैंसिल। तो साइड स्क्वायर क्या हो गया, देखो 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 × 12, और 4 को मिल लिया 2 × 2, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें पेयर बनाने होते हैं, तब वो साइड स्क्वायर रूट ले लो, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर जाएगा, सामने स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा, 12 × 12 × 2 × 2, सेम फैक्टर के हम पेयर बनाते हैं, और जब इसका रूट हटाना होता है तो पेयर पेयर में से एक फैक्टर भरा जाता है और स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाता है, ये तो जानते हो आप। 12 × 2 = 24 cm आ गई साइड,
किसकी निकल रही थी, ये इक्विलेटर ट्रायंगल की। पूछा है पेरीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है 3 × साइड्स, तो 3 × 24 और 24 × 3 = 72, तो पेरीमीटर आ गया इसका 72 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है आपका, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। यानी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि न्यूमेरिकल वगैरह क्या गया, सीधी बात है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया उसके पेरीमीटर के इक्वल है। ओके, फाइंड इट्स पेरीमीटर करेक्ट टू 2 decimal places। कैसे होगा समझाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, कुछ ऐसा नहीं कुछ ज्यादा बवाल उसमें, बहुत सिंपल सा है, करते हैं। अब यहां पर हमें साइड्स नहीं मालूम, तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लो, लेट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी एक्स यूनिट या ए यूनिट, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब यहां आप सेंटीमीटर मीटर कुछ लेंगे, यूनिट लिखेंगे, है ना, जब हमें देंगे कुछ। तो हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में एटीक्यू का मतलब जानते ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ये किसके इक्वल दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है उसके पेरीमीटर के इक्वल दे रखा है, ये हमें गिवन है। अभी फॉर्मूला लगा दो, बस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 side² साइड हमने एक्स माना तो एक्स स्क्वायर, पेरीमीटर ट्राइंगल क्या था 4 × साइड्स तो 4 × साइड्स का x, क्लियर। ओके बस समझ में आ गई, तो कांस्टेंट को इधर ले जा रहा हूं, एक्स को नीचे ले आता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 4 × 4 और √3 आ जाएगा अपॉन में, क्लियर। एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, एक पावर कैंसिल हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 16, 4 × 4 = 16 अपॉन √3। अब क्या करें, रेशनलाइज करें, √3 अगर नीचे से हटाना है तो क्या करेंगे, सेम √3 का न्यूमिनेटर में मल्टीपल कर दो और √3 का ही आप डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर दो, तो x हो गया 16 √3 √3 × √3 = 3 हो गया। अब मैं आपके सामने ही सॉल्व कर दे रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई, यहां दिखा देता हूं, 16 √3 / 3 × √3। अब आपको √3 की वैल्यू याद होने चाहिए, √3 और √2 ऐसे हैं जो कॉमन है, याद होने चाहिए, बच्चों को ज्यादातर याद होती है ना, वरना आपको निकालने पड़ेंगे। इसका √3 जानते होगे तो √3 की वैल्यू तो याद होगी, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूं 1.732। 16 का मल्टीपल करते हैं इसमें, 16 × 2 = 32 कैरी कितना हो गया 3, 16 × 3 = 48 3 = 51 कैरी कितना हो गया 5। ओके अब क्या है, 16 × 7 = 16 की टेबल याद है कि नहीं, 16 × 7 होते हैं 112 और कैरी कितना आया था तो भूल ही गया, बता 48 हो रहा था एक बार दोबारा चेक कर ले रहा हूँ, 16 × 2 = 32 कैरी 3, 16 × 3 = 48 51 कैरी 5 आया था, 16 × 7 = 112 112 और 5 117 का 7 कैरी आ गया 11, 16 × 16 = 11 27 और 3 प्लेस का डेसिमल। अब 3 से डिवाइड करना है, चलो मैं डिवाइड आपको शो कर दे रहा हूँ ओरली, तो हो जाएगा वैसे 3 से हो जाएगा ना, ओरली हो जाएगा कट जाएगा 3 × 9 = चलो मैं आपको शो ही कर देता हूँ, वैसे 3 का बस छोटा सा है, ओरली कर सकते थे आप, यही तो है 3 × 9 = 27 27 में से 27 के 0 पॉइंट लगाया, ऊपर से 7 ब्रिंग डाउन कर ले, इसे तो करते हैं 3 × 2 = 6 सबट्रैक्ट करा 1 और ये बनाएगा ब्रिंग डाउन 3 × 3 = 9 2 फिर 2 आएगा 3 × 7 = 21 बस बहुत है इतना, तो ये हो गया 9.237। x किस में था, ये सेंटीमीटर में माना था हमने, तो सेंटीमीटर।
पूछा क्या है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, फाइंड इट्स पेरीमीटर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। अब एक तरीका तो है आप यही टू डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर लो, या पेरीमीटर निकालना है थ्री इंटू साइड्स, है ना, थ्री इंटू साइड से करोगे तो थ्री इंटू साइड्स करके कर लो, वो आपकी मर्जी है, और बाद में इसको टू डेसिमल प्लेस तक। अगर टू डेसिमल प्लेस में करेंगे तो थर्ड प्लेस की डिजिट्स क्या है, फोर से बढ़ी है तो 9.24 हो जाएगा, है ना, और थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ आ रही है। तो मैं इसको अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा, बाद में करूंगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखते थे निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल थ्री इंटू साइड्स, और साइड्स आइए हमारी 9.237, 37 जा 21 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11 कैरी 1, 3 2 जा 17 और 3 9 जा 27। अब हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालनी है, तो थर्ड प्लेस क्या है, छोटा है, तो इतना आ गया 27.71 सेंटीमीटर। इसका जरा आंसर और चेक कर लेते हैं, 20A का क्वेश्चन नंबर 8, 20.78 आ रहा है, भाई मिस्टेक कर दी कहीं, 12√3 20.78, ये तो बहुत अंतर आ रहा है, चेक करना पड़ेगा, 27 आ रहा है हमारा, इनका 20 आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हुई है, एक सेकंड है ना, चेक करना पड़ेगा ये तो भाई, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है, कहाँ गलती है, दोबारा से चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो गई, पॉइंट पे थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है एक दो, यहाँ उनका आंसर है 20, हमारा 27, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कहीं ना कहीं कर दी है। देखते हैं दोबारा से, लेट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी एक्स यूनिट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड्स, पेरीमीटर है ठीक है, √3/4 इक्विलेटरल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक में ही मिस्टेक मिल गई, शुरू में ही मिस्टेक कर दी, क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल है, हमने स्क्वायर का लगा दिया, बोलते में भी स्क्वायर बोल दिया था, यहाँ गलती कर दी है ना, 3x होता है, 3 इंटू साइड, यहाँ 4 लिख दिया, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, काट के दोबारा ही करें, कहाँ तक कैंसिल करेंगे, यहाँ हमने देखो यही मिस्टेक कर दी, समझ में आ गया क्या मिस्टेक मिली, ये क्यों, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है 3 इंटू साइड, हमने लगा दिया स्क्वायर का पेरीमीटर, तो कहाँ से आंसर सही आएगा, तो इसको काटें भाई, ये तो गलत हो गया, ये लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो इसके बाद मैं दोबारा करता हूँ, ओके। तो ये मैं सवाल ही दोबारा कर देता हूँ पूरा, लेट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी एक्स यूनिट, ओके, छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में सब इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल दे रहा है इसके पेरीमीटर के, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर देखा है पेरीमीटर, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड हमने एक्स मान ली तो एक्स स्क्वायर, और यहां थ्री इंटू साइड होता है, जो हमने मिस्टेक कर दी थी, स्क्वायर का लगा दिया, 4 इंटू साइड कर दिया था ध्यान है, तो 3 इंटू साइड, और साइड क्या है x, बस अब तक वही करना है, आप डायरेक्ट भी x से x कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूं, वेरिएबल को एक साइड, ये x अपॉन में आएगा, 4 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 4 अपॉन √3, x से x कैंसिल हो गया, तो x क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 12 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज का मतलब अगर नीचे अपॉन में इरेशनल नंबर हो तो √3 का न्यूमरेटर मल्टीप्ल कर दो और √3 का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं फर्क पड़ा है ना, तो x इक्वल टू क्या आ गया 12√3 और √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये अली 3 आ जाएगा, 3 से 4 बार कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया 4√3, ये तो x की वैल्यू निकला है, पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, पेरीमीटर का 3 इंटू साइड्स, 3 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 4√3, तो ये अगर 3 × 4 = 12 √3 सेंटीमीटर, अगर पूछा तो एरिया दोनों सेम है तो एरिया भी इतना होता, उसकी जगह हम लगा देते स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर हमें डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकालना है, तो √3 की वैल्यू लगानी होगी 1.732, अब 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 2 जा
24 कैरी 2, 12 थ्री 36, 36 और 2 38 कैरी 3, 12 7 जा 84 और 3 87 कैरी 8, 12 इंजा 12 और 8 20, 3 प्लेस का डेसिमल। अब ये देखेंगे थर्ड प्लेस डिजिट्स, 4 से बड़ी तो है नहीं, 5 या 5 से बड़ी हुई जिसको इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होगा नहीं, तो क्या होगा क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, 20.78 सेंटीमीटर आगे 20 पॉइंट समथिंग, पहले आ रहा था हमारा 27 क्योंकि हमने क्या मिस्टेक कर दी थी, 4 इंटू साइड। फिर एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ एक्यूरेट, क्वेश्चन नंबर 8 20.78 है पूरा। ओके तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। मैं अभी और भी क्वेश्चन करना चाहता था लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया, तो अभी स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना 21 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ओके तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन 8 का आप ध्यान रखना है ना, अगर हाथ के हाथ नोट नहीं करा करो पहले समझा करो। मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सर आपके चक्कर में क्वेश्चन गलत हो गया है ना, तो वीडियो देख के क्वेश्चन नोट करने की जरूरत होती है, वीडियो देख के आप क्वेश्चन समझें फिर वीडियो को पॉज कर दें, बंद कर दें, अपने आप करें। अगर कहीं कन्फ्यूजन रह जाता तो दोबारा वीडियो पॉज ऑन करके देख सकते हो है ना, ये नहीं उतारने से कोई फायदा नहीं, मैं तो हम करते हैं आप उतारते हो क्या फायदा, ऐसे नहीं हो समझना चाहिए। तो अगर हाथ का उतारोगे तो मिस्टेक हो गई, पेज गलत हो गया वो क्यों, हमने यहाँ पर फोन लिख दिया था है ना, तो पहले वीडियो देखा करें समझा करें और बिना देखे करने की कोशिश करें। नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लो भैया, मोबाइल आपके पास है ही, वीडियो आपके पास है ही, यूट्यूब चैनल पर देख ही सकते हो आप, कभी भी देख सकते हो वीडियो है ना, तो एक बार समझ लें उसको फिर अपने आप करने की कोशिश क्या करें। ठीक है तो चलो स्टॉप करते हैं, बहुत बातें हुई आप लोगों से भी तो है ना, अगर आप पहली बार, बहुत से हो सकता है पहली बार चैनल देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।